नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उनसे जिन्होंने वन मैन आर्मी की तरह इस चैनल की शुरुआत की और इस तरह की विधा से कोई वास्ता भी नहीं रहा है। 40 वर्ष के प्रोफेशनल कैरियर में अखबारों के अलग अलग अखबारों में काम करने के बाद ये जब उसको इंस्टीट्यूशनल जो जर्नलिज्म है उसको जो अलविदा किया इन्होंने तो इस चैनल को शुरू किया है। सारी चीज़ें उन्हीं से जानते हैं और हम इस तरह की कुछ बातें करेंगे जिससे हमारे व्यूअर को सहूलियत है समझने में कि इस विधा में आने के लिए उनको क्या करना चाहिए। जगदीश जी, जी अचानक कैसे विचार आ गया कि हम जो है YouTube चैनल शुरू करते हैं? चूंकि ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप 65 साल के आसपास की उम्र हो रही है आपकी, 40 साल आपने स्टिल जर्नलिज्म किया हुआ है, अखबारों में काम किया हुआ है और ये चुनौतीपूर्ण विधा में आप किस तरह से आए? एक्चुअली 40 साल के प्रोफेशनल कैरियर में मैंने विभिन्न प्रकार के अखबारों में काम किया, अब विभिन्न पोजीशन में काम किया, डार्क रूम असिस्टेंट, जूनियर फोटोग्राफर, स्टाफ फोटोग्राफर, सीनियर फोटोग्राफर, चीफ फोटोग्राफर, फोटो एडिटर और ग्रुप फोटो एडिटर। अंत में ये रहा कि लॉकडाउन भी हो गया और सिचुएशन भी लगी ऐसी कि अब इसमें कंटिन्यू करने में मुश्किलात भी आएंगी, और दूसरा ये कि मुझे लगा कि क्यों न इस विधा में जो मेरा अनुभव है डिफरेंट किस्म का अनुभव है, बहुत ज़्यादा मैं ट्रेवल किया हूँ। एक जो आप जो ज़्यादातर जो फोटो जर्नलिस्ट होते हैं जो कवरेज करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा मैं ट्रेवल किया हूँ और वैरायटी की असाइनमेंट मेरे को करने को मिली है, तो लगा कि बहुत कुछ मैं देखा हूँ, किया हूँ, सुना हूँ, इसको फैलाया जाए। 65 साल की उम्र हो गई, 64 की उम्र तक तो मैं अखबार में जुड़ा रहा, तो 64 के बाद जब मैं लगा कि अब अखबार में नहीं तो काम तो मुझे करना ही था, और काम करने में मेरी प्राथमिकता ये दिमाग में मेरे आई कि जो कुछ मेरा अनुभव हो सका अब तक मिला है उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करूँ, इस जर्नलिज्म में जुड़े लोगों को जानकारी हो। जर्नलिज्म में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खाली फोटोग्राफी से ही मेरा मतलब नहीं रहा, बाद के कुछ तकरीबन 8-9 साल अखबारों में काम करने वाले उन व्यक्तियों को भी सिखाने समझाने का मौका मिला जो तस्वीरों को डील करते हैं अखबार के पन्नों पर, तो और थोड़ा सा विस्तार हो गया, एरिया बढ़ गई। तो ध्यान इसी तरफ क्यों गया यूट्यूब चैनल लॉन्च करने की तरफ? हमारे पास दो रास्ते थे कि या तो मैं वेबसाइट करूँ या यूट्यूब करूँ। जो मैं पॉपुलैरिटी यूट्यूब की देखता हूँ, जो कन्वीनियंस देखता हूँ, आसानी से सफ़र भी कर रहे हैं बीच में देख रहे हैं, तो मुझे लगा कि इस रास्ते से बताऊँ तो हर आदमी तक आसानी से ये बातें पहुँच जाएँ। चुनौती भी तो होता है ना, भाग दौड़, वीडियो कैप्चर करना, उसको एडिट करना, और अपने व्यूअर को बता दूँ कि वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं, इनपुट से आउटपुट तक सारा कुछ इन्हीं का रहता है। वो वीडियो शूट करना हो, वीडियो एडिट करना हो, एम्बियंस उसके हटानी हो, फिर अपलोड करना हो, जो भी चीज़ें हैं सारा कुछ रात में 2-2 बजे तक जग के ये पूरा करते हैं इसको, और उसके बाद हमारे व्यूअर को के सामने लाते हैं इसको। तो ये चुनौतीपूर्ण नहीं है इस तरह का काम इस उसमें? नहीं, मुझे तो मैं जो आज तक काम किया हूँ अखबारों में उसके अनुसार एक्चुअली मैं उस पर गौर करता हूँ कई बार। चुनौती मैंने क्या, चुनौती मुझे ऐसा लगता कि कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा ऐसा तो कभी लगा नहीं मुझे। मेरे को एडिट नहीं आता था तो 2-4 वीडियो मैं दूसरे से एडिट कराया तो मुझे पसंद नहीं आता था, मुझे लगता था कि इसको ऐसे करना चाहिए था कि ऐसे हो गया, तो मैं कहा कि ना मैं एडिट सीखूंगा, तो मैं एडिट सीखना शुरू किया, फिर प्रैक्टिस करना शुरू, रात दिन भूल गया, कई बार प्रैक्टिस शुरू की, खाना खाया, 9 बजे शुरू हो गया, पता लगा सुबह के 5 बज गए प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, लेकिन क्या हुआ 2-4 दिन के बाद कंट्रोल में आ गया। थकान नहीं आती? ना कुछ थकान नहीं आती। देखिए ये तो ऊपर वाले की कृपा है या हमारे मेरे जो मित्र हैं उन लोगों की दृष्टि एक है मेरे प्रति कि थकने का तो काम मेरे पास कभी नहीं रहा, मैं कभी थका नहीं। जो कुछ मैं समझता हूँ, जो कुछ जान पाता हूँ उसको मैं सबके सामने रखना चाहता हूँ, तो ये मेरे मन में था, तो और थकान क्या है, उसको पूरा करने के लिए हमने पूरे प्रयास किए। बहुत उलझन नहीं आई, बहुत बड़ी उलझने कुछ नहीं आई, तो मैं आसानी से कर ले गया, कोई दिक्कत नहीं। अब तो मैं कोई कहता कि कैसे एडिट करते हैं तो मैं कहता आओ बैठो, मैं 1.5 घंटे में आपको सिखा दूँगा अब मैं ऐसे कहता। आप स्टूडेंट से टीचर हो गए? हाँ,
थोड़ा टीचिंग में तो मैं थोड़ा पहले ही घुस गया था। नहीं, इस विधा के, इस विधा में हाँ, इसका स्टूडेंट था। हाँ। एकदम ऐसा अनाड़ी स्टूडेंट जो भय लगता था वीडियो देख के। हाँ। लेकिन अब लगता है कि मैं वीडियो खींचने का मैं एक्सपर्ट अभी भी नहीं हूँ, एक से एक लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसको काम लायक दिखाना, कहाँ से काट लेना, कैसे कर देना, टाइटल कैसे लिखनी, उसके ऊपर किसी का नाम कैसे डालना, उसमें म्यूजिक कैसे जोड़ देना, ये सब तो सीख गया हूँ मैं, और मुझे अब असुविधा नहीं हो रही है। और एडिट करना मैं सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि किन बातों को हटाऊँ, इसको बहुत इस यहाँ गौर करना पड़ता है। ये इतनी एक आधा घंटा बात हुई, 15 मिनट वीडियो देना, मैं क्या हटाऊँ, सबसे ज़्यादा जोर उसी में लगता है और किसी में कोई जोर नहीं। कभी लगा नहीं कि ये कहाँ इस मतलब स्टिल फोटोग्राफी कर रहे थे, अचानक से इसमें वीडियो फॉर्मेट में आ गए, यूट्यूब पे आ गए, कभी ऐसा नहीं लगा कहाँ कौन सा काम हमने मोल ले लिया सर पे अपने? नहीं, कभी नहीं लगा, इसलिए कि स्टिल फोटोग्राफी जहाँ तक है अभी भी अपनी पसंद का या किसी की डिमांड पर थोड़ा बहुत न्यूज असाइनमेंट नहीं, इंसिडेंट नहीं, लेकिन फ्यूचरिस्टिक कुछ हो तो अभी भी करता हूँ, पोर्ट्रेट शूट करता हूँ, प्रोफाइल शूट कर लेता हूँ। और लेकिन मेरा लगन अभी इधर ज़्यादा है, इस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो मैं कर रहा, भी रहा है, क्योंकि एक ही साल में आपने मोनेटाइज भी कर लिया इसको। जी, एक साल में मोनेटाइज हुआ, और मोनेटाइज को लेकर के लोग हमको बताते थे कि बड़ा डिफिकल्ट है, व्यूअर कम मिलेंगे, सब्जेक्टिव है, फोटो है, जर्नलिज्म पर है, तो ये बड़ा कम लोग देखने वाले हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे जिस कॉन्सेप्ट पे आप चल रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट के चैनल बहुत कम लिमिटेड होंगे, तो बहुत लिमिटेड होंगे, या हिंदी में तो बहुत ही कम है, या ना के बराबर है, तो हमें लगता है कॉन्सेप्टलाइजेशन भी इसका आपने किया खुद? नहीं, मैं कॉन्सेप्टलाइजेशन इसलिए ऐसे आसानी से मेरे को हो गया कि जो वेराइटी ऑफ टाइप का मैं जो काम किया हूँ, फीचर, बिजनेस, इंडस्ट्रियल, ट्रेवल, हार्ड न्यूज, डकैत, चंबल, जेल, मैंने टॉर्चर, ये बहुत कुछ कवर किया हूँ। और उसके बाद जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किया हूँ, वो जो इंस्टीट्यूट हैं पत्रकारों के बनाने के इंस्टीट्यूट, पत्रकारों को पढ़ाने की, उनको थोड़ा पढ़ाना लिखाना, तो उससे ये लगा कि टॉपिक की तो भरमार है, इसमें तो कोई असुविधा है नहीं, कुछ भी शुरू हो जाइए, बहुत कुछ ऐसे हैं जो अनछुए चीज़ें हैं जो आमतौर पर जर्नलिस्ट इस पर गौर नहीं करते, तो ये ज़रूरी है कि मैं क्या सोचता हूँ उसे बता दूँ, सही कितना है वो जजमेंट मेरा नहीं है। तो हाँ। उसमें ऐसा भी होगा कि आपने कुछ शूट किया होगा, उसको नहीं अपलोड किया होगा, क्वालिटी इस तरह की नहीं रहेगी, कि आपको खुद ही ख़राब लगा हो कि नहीं? मैं कुछ ऐसी चीज़ें शूट करके ज़रूर रखा हूँ, जो तैयार करके रखा हूँ, और इसलिए लोड नहीं कर पाया हूँ, उसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिलने चाहिए, जो मुझे इमेजेस मिलनी चाहिए, जो एक दो वीडियो मिलने चाहिए, उसकी प्रतीक्षा में हूँ, जो ही आएगा मैं आगे कर दूंगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं एक लंदन में एक लेडी हैं, उनका इंटरव्यू किया हूँ जूम पर, वो खास बात यह है कि वो अमेरिकन लेडी हैं, अमेरिका में जन्मी बड़ी और लंदन में वो रहती हैं, बनारस में 4 साल उन्होंने तबला सीखा है, तो तबला सीखा तो मैं अपने लोगों को बताने के लिए कि हमारा देश में से के किसी किसी विधा में कितना इंटरेस्ट है बाहर के लोगों को, क्वालिटी ख़राब हो गई इसलिए छोड़ना पड़ा, अभी एक के साथ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ऐसा। जूम पर कर रहा था लॉकडाउन के दौरान, विभिन्न लोगों से बातचीत कर रहा था, तो मेरे को खलता था उसकी वीडियो क्वालिटी, लेकिन मेरे को किसी ने बता दिया कि प्रो करके देखिए, मैंने जो ही प्रो लगाया एकदम HD आ गया, फर्स्ट क्लास आ गया, मैं कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गया हूँ, ज़्यादा भरोसा मुझे हो गया कि मैं। जगदीश, अगर इस कॉन्सेप्ट पे बात करें तो इसका सेंट्रल थीम क्या है, मतलब मूल क्या है इस चैनल का, जिसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें फैली हुई हैं? आप बता रहे हैं कि लंदन में बात की आपने, ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जर्नलिस्ट से, फोटोग्राफर से बात की होगी, तो आपको आपके जेहन में जो है इस कॉन्सेप्ट को लेके या चैनल को लेके, उसके मूल में क्या है, उसके इर्द गिर्द किस चीज़ को आप बिठाना चाहते हैं, बिठाया हुआ है? मैं बताता हूँ आपको, मैं इसको 3-4 भागों में बांटा हूँ, माइंड अपने दिमाग में बांटा हूँ, कि एक तो प्रोफाइल दिखानी है, जो हमारे लोग अनुभवी हैं, जो अच्छा काम किए हैं, उनके काम दिखा के उनके बारे में बताना, उस वाले जॉनर में ऐसे भी लोगों को रखता हूँ जो बिल्कुल युवा है, लेकिन कुछ हट के और करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन युवाओं को मैं दिखाना चाहता हूँ, सबको, अपने देखने वालों को, ताकि देखिए इसमें कुछ पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, और इसको समासी दी जानी चाहिए, और हो सकता है कि मेरे यूट्यूब पर उस पर वीडियो बनाने से उसको उसका और मनोबल बढ़ता हो और अच्छे से काम करे, तो ये बहुत उपयोगी हो जाएगा, तो
तो ऐसे लोगों को लेता हूँ। दूसरा है जॉनर, मैंने शुरू किया था अखबारों में फ़ोटो की समीक्षा, लेकिन उसे मैं तकरीबन एकदम कम कर दिया, इसलिए कि जब लॉकडाउन हुआ तो सिमिलरिटी मिलने लग गई थी अखबारों में, कुछ और कूदने फादने का जो फोटोग्राफर को मिलता है कुछ लाने का वैरायटी ना तो उसकी जगह थी, ना कोई स्टोरी थी और ना कोई अपॉर्चुनिटी थी। वही अस्पताल वही लोग, वही बंद, वही मार्केट नहीं। तो मैं कहा कि नहीं, इसे पाठकों का, देखने वालों का बोरिंग होगा, तो इसको थोड़ा रुकते हैं, जो ही खुलेगा फिर शुरू हो जाएंगे। और मैंने तीसरा रखा है टेक्निकल टिप्स का, तो चाहे वो मोबाइल से तस्वीरें खींच रहे हों तो इफेक्टिव कैसे होगी पिक्चर, चाहे वो कैमरे से खींच रहे हों, प्रोफेशनल हों, अमेचर हों, किसी और प्रोफेशन में काम करते हों, उनको शौक हो फोटोग्राफी का, तो वो कैसे उनको थोड़ा नॉलेज मिल जाए और फोटोग्राफी के प्रति झुकाव बना रहे लोगों का, इसका थोड़ा ध्यान रखने के लिए एक जॉनर वो है मेरा। तो वो ये तीन इम्पॉर्टेंट हो गए। और एक और जॉनर है जिसमें अभी आजकल फिर कम हो गया है, लेकिन उसको स्पीड अप करने वाला हूँ, स्टोरी टेलिंग का। वो स्टोरी में ये है कि मैं सपोज कीजिए मैं ममता बनर्जी के साथ ट्रेवल किया एज ए रेल मिनिस्टर, वो ट्रेवल कर रही थी, मैं साथ रहा एक दिन दो दिन। तो मैं जो भाषा होती है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो इंटरेक्शन होते हैं, जो जैसा वो लोग किस तरह से करते हैं, उसको पिक्चर तो हम खींचते हैं लेकिन बताता कोई नहीं है। तो मैंने कहा इसे बताना चाहिए कि हमने साथ में देखा क्या। तो ये स्टोरी टेलिंग पता है, ऐसी स्टोरी टेलिंग पर मैं बहुत सारी स्टोरियां कर चुका हूँ, दर्जनों स्टोरी कर चुका हूँ। अभी आपसे भी एक आध कहानी सुननी है, क्योंकि आपका बहुत लंबा तजुर्बा रहा है 40 साल के आसपास, बहुत सारी सत्ताओं को आते जाते देखा हुआ है, बहुत लोगों को बनते बिगड़ते देखा है, उस पर पूछना। लेकिन अभी चूंकि चैनल में ही बात कर रहे हैं, तो चैनल में आगे के का प्लान है, क्या प्लान है आपका? जैसे ये होता है ना कि एक लेवल पे चार आपने कंपोनेंट बताए, इसके चारों होगा, एक साल दो साल तीन साल बाद सैचुरेट हो जाएगा, उसके बाद कुछ नया करने को नहीं रहेगा, या कुछ सोचा हुआ है कि नहीं हम जब भी व्यूअर के सामने जाएंगे कुछ नए के साथ जाएंगे? अभी जो मेरी उम्र है आगे बची हुई का मुझे नहीं पता, लेकिन जो एनर्जी है, आप लंबी उम्र, जो एनर्जी लेवल रहेगा, अगर मान लीजिए 12 साल 15 साल मेरा एनर्जी लेवल ठीक रहा, तो तब तक विषय की कमी नहीं है, इसी जॉनर में बहुत कुछ है। हाँ, ये हो सकता है स्टोरियाँ कम हो जाएँ, ये हो सकता है, लेकिन अखबारों पिक्चर का डिस्प्ले कैसा है, पिक्चर किस थॉट प्रोसेस से गुजर के लिया गया है, ये कभी बंद नहीं हो सकता। टेक्निकल टिप्स भी बंद नहीं हो सकती, इसलिए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, मैं अपने आप को लगातार अपडेट करता हूँ। जब मिररलेस पॉपुलर होना शुरू किया तो मैंने एक वीडियो दिया कि मिररलेस और DSLR में क्या अंतर है, इसको समझ ले, और इसको बिल्कुल कोई हवा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं, बड़ा सिंपल सी चीज़ है भाई, मिरर हटा दिया तो मिररलेस हो गया, तो उसका एडवांटेज क्या, वो थोड़ा बता दिया, हो गया। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो मेरे को टेक्निकल टिप्स की कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरा इसके बाद लिखिए प्रोफेशनल लोगों को या अमेचर लोगों को जिनको मैं आगे लाता हूँ एज पर्सनालिटी, एज ए शख्सियत, इसकी भी कमी नहीं हो सकती, क्योंकि लाखों की तादाद है, लाखों तक तो मेरे को वीडियो बन ही नहीं पाएगा, इतने लोग हैं, तो ये कोई कमी आगे नहीं होने वाली, ये मैं जानता हूँ, मेरा सिचुएशन नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जैसे एक साल में कोई ऐसा एक दिन आया हो जहाँ लगा हो बहुत टफ है, मतलब इस असाइनमेंट को करना जो आपने सोचा हो उसको कैप्चर करने गए हो आप? नहीं लगा हो कि टफ है बहुत? एक दिन भी नहीं लगा, क्योंकि इतने टफ असाइनमेंट करके आई स्टील फोटोग्राफी अखबारों में। अरे जब फूलन को खोज लाए जंगल में जाके, जब केंद्रीय जेल में घुस के शूट कर लिया, तो वो भी, और जब उस पर पगली घंटी बज गई, धर पकड़ शुरू हुई, तब तो जब कुछ हुआ ही नहीं तो क्या होना है। अच्छा, ये जो मतलब एक साल का सफ़र है आपका, बहुत मतलब टाइम तो बहुत छोटा है, स्पैन छोटा है, लेकिन आपके ऊपर हमें लगता है कि फाइनेंशियल प्रेशर नहीं रहा है कि इस चैनल को हम शुरू करके इससे अर्निंग करें? नए लोगों के लिए सवाल जो है ना, जो नए न्यूकमर आ रहे हैं इसमें, जो इसे अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, उनसे जुड़ा हुआ यह सवाल है कि आप के साथ ये दिक्कत नहीं रही कि आपके साथ कभी फाइनेंशियल प्रेशर रहा हो कि नहीं हमको इससे इस महीने में इतना कमा लेना है, इसके बाद ये चैनल चल पाएगा नहीं चल पाएगा? तो ये जो है ये आपके लिए अवसर की तरह काम किया इसने ना? हाँ, ये इस चैनल्स के प्रति ऐसा जो मेरा भाव है कि वो आगे भी 4-5 साल तक अगर एक पैसा भी ना दे तो इसमें कोई रुकावट नहीं आने वाली है। एक तो मेरा प्रेम है, और दूसरा मेरे को इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि उसके लिए मैं छटपटा के दौड़ के कमाने जाऊँ। हाँ, जहाँ तक जो नए लोग आना चाहते हों यूट्यूब में, उनका सवाल है, तो ये ज़रूर है कि पेशेंस बहुत चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए। कितना टाइम देना होगा? और
अगर आप इस तरह की टेक्निकल विधा लेके आएंगे तो आपको देखने वाले और सब्सक्राइबर बहुत स्लो आएंगे। वो जितनी भी हल्की फुल्की चीज़ें हैं लोग उसी पर इंटरटेन करना चाहते हैं, उसमें तो आपको मिल जाएगा। लेकिन कोई जर्नलिस्ट, चाहे वो जर्नलिज्म फोटो का हो चाहे वो टेक्स्ट का जर्नलिज्म हो, उस पर चैनल लाता है तो उसके बढ़ने की रफ्तार स्लो होगी। मैं कई लोगों के देखा हूँ यूट्यूब पर 4-4 लाख व्यू आते हैं, फोटोग्राफी जो सिखा रहे हैं स्टूडियो में बैठ के सब, वो तो आ जाएगा। लेकिन मेरा वो कॉन्सेप्ट उस पर नहीं है, मैं फोटोग्राफी नहीं सिखा रहा हूँ, बल्कि फोटो के पूरे जो आगे पीछे की चीज़ें वो आपके सामने रख रहा हूँ। धीरे धीरे जो तादाद बनेगी वो बहुत बड़ी तादाद होगी, ये इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन ये समय लेगा और मैं समय मेरे पास है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। इससे ज़्यादा उपयोगी ये भी होगा ये जानना कि 40 साल का जो प्रोफेशनल करियर रहा जगदीश जी का, वो किस तरह से गुजरा, कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे। आज हम इसको यहीं विराम देते हैं, अगले एपिसोड में बाकी बची बातें इनकी आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद।